अल्लाम प्यारे तलबा व तालिबात आज के इस वीडियो में हम जो सबक नंबर नौ है नाइन्थ लेसन फितर तीसरी जमात की उर्दू किताब का उसके हम सवाल व जवाब करने वाले हैं तो पहला सवाल आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर फितर कब मनाई जाती है तो ये सबक का नाम ही फितर है पहला ही सवाल फितर कब मनाई जाती है तो इसका जवाब आएगा रमज़ान के आखिरी रोज़े के बाद जब शाम को चांद नज़र आता है तो सुबह फितर मनाई जाती है तो मैं साथ में पढ़ भी रहा हूँ अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही हो या कहीं पे समझ में ना आ रहा हो तो आप मेरी आवाज़ सुनकर वहाँ से ठीक से लिख सकते हो ठीक है तो पहले सवाल का जवाब है रमज़ान के आखिरी रोज़े के बाद जब शाम को चांद नज़र आता है तो सुबह फितर मनाई जाती है ठीक है जी दूसरा सवाल है ईद की नमाज कहां पढ़ी जाती है तो ये तो सबको पता है ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी जाती है यही इसका जवाब आएगा अच्छा सदगा फितर किन को दिया जाता है इसका जवाब है सदका फितर गरीबों और मोहताजों को दिया जाता है ये तीन सवाल हो गए यहां तक तो चलिए चौथा सवाल ईदी क्या होती है ईदी क्या होती है ईद के दिन पे मिलने वाले पैसे और तोहफों को ईदी कहते हैं यानी कि जो ईद के दिन तोहफे मिलते हैं गिफ्ट्स मिलते हैं या हमें अपने पेरेंट या रिश्तेदार जो हैं वो पैसे जो देते हैं उसको ईदी कहते हैं रमज़ान के महीने पर पांच जुमले लिखिए ये पांचवा सवाल है रमज़ान के महीने पर पाँच जुमले लिखने हैं तो देखिए मैंने पहला जुमला क्या लिखा है रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का नवा महीना है यानी कि ये नाइन्थ मंथ है इस्लामी कैलेंडर का दूसरा जुमला रमजान के महीने में रोजे रखे जाते हैं तीसरा जुमला रमजान में मुसलमान अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं चौथा जुमला रमजान बाबरकत वाला महीना है और पांचवा जुमला रमजान के महीने में इंसान गुनाहों से बचता है देखो मैंने कितने आसान जुमले लिखे हुए हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे और आप अपनी कॉपी पे भी लिख सके तो ये वीडियो हथ पे खत्म होती है अल्लाह हाफिज